हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया था फर्स्ट अब हम दिमाग लगाना शुरू करते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन से ठीक है चलो सेकंड क्वेश्चन होमवर्क था हमने सॉल्व कर लिया है देखते हैं एक बार मैच करके एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ साइन ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए किसके टर्म में बोल रहा है कॉट ए के टर्म में निकालने के लिए तो देखते हैं सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं पहले किसका देखेंगे हम फर्स्ट किसका बोल रहा है साइन ए तो साइन ए का देख लेते हैं साइन ए का पार्टनर कौन है A का अपोजिट कौन है कोसेक लेकिन यहां पर रिलेशन किससे निकालना है किस से है? कौस. कौस. अब कैसे निकल पाएगा तो साइन के लिए जाना पड़ेगा हमको कहा साइन के लिए जाना पड़ेगा टेन के आसपास जाना पड़ेगा है ना बताओ कैसे निकाल पाएंगे साइन से कैसे रिलेशन निकाल पाएंगे साइन से कॉट का रिलेशन कैसे निकाल पाएंगे हाँ देखो साइन से कहा चले जाएंगे कोसेक में तो साइन टू क्या हो जाएगा वन अपॉन कोसेक थीटा कहा चले जाएंगे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा से कहा चले जाएंगे कौट। कौट पे चले जाएंगे तो अब भी हम लोग रिकॉल किए हैं ना कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा वन प्लस कोट स्क्वायर ये हो गया हमारा आंसर समझ आया ठीक तो ये है वैल्यू सेकंड सेकंड क्या है सेक ए तो सेक से कहां जाना है टेन में कैसे जाएंगे सेक का पार्टनर कौन है टेन ठीक है टेन से जा सकते हैं कहां पर कोट के पास तो वैसे चले तो क्या हो जाएगा देखो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन के फॉर्म में डायरेक्ट लिखूं क्या मैं क्या हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अब मान लो अगर मुझे सिर्फ सेक थीटा लिखना है तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता अंडर रूट लगा के ठीक है अब इसको क्या कर देंगे इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट वन इसको वन अपॉन क्या कर दें कॉट तो हो जाएगा वन स्क्र थीटा हम चाहे तो यहां से एल्सियम भी ले सकते हैं ठीक है और एल्सियम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये ऐसा कर सकते हैं देखो स्क्त थी प्लस वन अपॉन क्या हो जाएगा थीटा अब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन होगा तो फिर से कोशिक स्क्त थीटा मत कर देना है ना ठीक बस इतना भी क्या कर देना है इसको छोड़ देना है ठीक है अदरवाइज कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग तो फिर से क्या लिख सकते हैं चाहे तो हाँ लेकिन वैसे लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि हमको किसके फॉर्म में चाहिए कॉट के फॉर्म में तो ये ये भी भी हमारा आंसर है और ये भी आंसर है है और अगला अगला हमें क्या चाहिए थर्ड नंबर टेन ए ए तो सबसे सस्ता वाला है क्या हो जाएगा टेन एज इक्वल टू अच्छा सब में देखो ए ए बोला है ना और मैं क्या लिख दिया वहां पर थीटा तो सबको क्या कर देंगे एंगल को अपन ए कर देंगे ये हम लोग एंगल को बना देते हैं क्या ए जितने भी एंगल है सब हो जाएंगे एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अपॉन कॉट ए ये हो गया इसी के डायरेक्टली फॉर्म में कोई दिक्कत चलो, चलो देखते हैं इधर ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना क्या करेंगे LH से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं देखो एल एच एस में क्या है हमारे पास कोसेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थेटा यहां से स्टार्ट करते हैं क्या करना है हमेशा की तरह कोसेक सेक कॉड टेन जो भी रहे किसमें कन्वर्ट कर दो साइन और कॉस में तो कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे अपन वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है अब क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे बाकी तो नॉर्मल कैलकुलेशन ही करना रहता है हमको तो अगर एलसीएम लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम साइन थीटा इंटू बेटा देखो अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है ना तो फिर इसमें ज्यादा कुछ करने की बात ही नहीं है आपको समझ आ जाएगा के में आगे L से हम लेना है है लगेगा identity लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा है? देखो square theta, cos square theta. जब हमको इसका ढूंढना है तो इसको डिवाइड करेंगे इससे तो तो क्या बचेगा कॉस थीटा तो ऊपर जाके किसको मल्टीप्लाई करेंगे cos. Cos प्लस, cos हो तो क्या बचेगा साइन स्क् थेटा बचेगा कोई दिक्कत नहीं है इसमें यहाँ तक पहुंचने में कोई दिक्कत बता दो मुझे <स्थाँगा> अब देखो थेटा. आप अगर चाहो तो इसको ना दोनों को अलग अलग लिख सकते हो या एक में लिखोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं तो है क्या साइन थीटा इंटू वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्योंकि दोनों क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपस हाँ में अब इसको मैं वन अपॉन के फॉर्म में है अगर चेंज करूंगा तो क्या बन जाएगा ये कोसेक स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा देखो ये हमारा जो एल था वो हमको आर में आ गया समझ आया तो क्या मिला ये आर ठीक है तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं कि एल एच एस इक्वल टू हमको क्या मिल गया क्वल टूचएस क्लियर है कोई डाउट इसमें ठीक क्या हाँ 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 हा. कोई डाउट इसमें कहीं पे चले आगे नेक्स्ट यहां देखते हैं यहां पर मैं ना सब क्वेश्चन को अलग अलग सेपरेट कर देता हूं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो ठीक अभी फिलहाल हम बस एक क्वेश्चन को रखते हैं को कर दे। देखो, ये हमारे पास है, क्या आप बोल रहे हैं माइनस नाइन टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू इसमें से क्या ऑप्शन होगा क्या है आंसर आप लोगों का नाइन आया ना ठीक है चेक कर लेते हैं एक बार देखो चेक करते हैं क्या हो जाएगा नाइन दोनों में से कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह जाएगा से स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए अब देखो नाइन बाहर मीरा नहीं तो इसका वैल्यू क्या होता है वन तो नाइन इन टू वन इज इक्वल टू नाइन तो आप लोगों ने सही सॉल्व किया है अगला अगला सेकंड क्वेश्चन बताओ 1 tan थीटा sec थीटा फिर ब्रैकेट में क्या है 1 cot थीटा cosec थीटा बताओ क्या होगा इसका 2 आ रहा है इसका चलो चेक कर लेते हैं एक बार हमेशा की तरह क्या करना है tan और sec को cot और cosec को, को. किसमें में चेंज कर रहे हैं sin और cos में तो सीधे ही मैं देखो सॉल्व करता हूँ इसको क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 साइन थेटा अपॉन थीटा प्लस वन अपॉन क्या हो जाएगा थीटा कोई डाउट यहां तक में ठीक आगे क्या होगा बोलो वन प्लस कॉस थेटा अपॉन साइन थेटा ठीक है माइनस वन अपॉन साइन थेटा कोई दिक्कत इन दोनों का सेपरेट सेपरेट क्या ले लेते हैं एलसीएम तो देखो यहाँ पर इसके अपॉन में कुछ नहीं है मतलब क्या है जीरो क्या होगा जीरो होगा क्या होगा क्या होगा जीरो होगा ना ठीक अच्छा गुड आंसर आपका भी आ गया सही है सही है हाँ देखो यहाँ पर कुछ नहीं है नीचे मतलब क्या होगा जीरो क्या होगा वन होगा ठीक है जीरो की है मतलब पूरा काम खत्म तो यहाँ पर अपॉन में वन है कुछ नहीं है मतलब तो क्या हो जाएगा देखो एलसीएम वन थीटा और यहां पर थीटा मतलब ओवरऑल क्या आने वाला है थीटा आने वाला है वन से डिवाइड करेंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा थीटा फिर देखो प्लस साइन थीटा ही रहने दो इसको फिर उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस वन ये हमारा एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया ठीक अगला क्या हो जाएगा फिर देखो यहां पर साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा क्या साइन थेटा प्लस यहां पर सेम है तो थीटा और यहां पर माइनस वन क्लियर है कोई दिक्कत यहां पर अब देखो दोनों के न्यूमरेटर डिनोमेटर को अगर देखें तो यहाँ मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो एक साथ रख सकते हैं हम लोग तो ये एक साथ रख लेते हैं क्या हो जाएगा ये साइन थीटा इन कॉस अब ऊपर को देखो अगर हम ध्यान से देखो तो एक चीज समझ आ रहा है ये है कॉस थीटा और साइन थीटा इधर भी देखो साइन थेटा कॉस थीटा मतलब ओवरऑल क्या है साइन कॉस साइन कॉस ऐसा है और ये प्लस वन और माइनस वन अगर मैं कंप्लीटली इसको ऐसा करूं ये देखो इसको एक ब्रैकेट में रखूं इसको एक ब्रैकेट में रखूं ठीक है तो क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया फॉर्मूला तो यहां पर क्या हो जाएगा ये यहां पर हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा एक मिनट सॉरी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा क्या माइनस वन ठीक समझ पाए कि नहीं और अगर मान लो आपको ऐसा करने में दिक्कत हो रहा है तो आप पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर दो वो भी एक तरीका है तो क्या क्या करें बताओ फॉर्मूला लगाएं कि मल्टीप्लाई करें फॉर्मूला लगाते हैं ना मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आठ को भूल जाएंगे तो फालतू में क्या हो जाएगा हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा लेकिन फॉर्मूले से हम लोग भूलेंगे ही नहीं ये देखो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा हम्म कॉस स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल इसका फॉर्मूला लग रहा है ना तो क्या हो जाएगा ये प्लस टू कॉस थेटा ये हो जाएगा फॉर्मूले को हम लोग जब ओपन किए तो फिर क्या हो जाएगा माइनस वन क्लियर है अपॉन क्या हो जाएगा साइन थेटा इंटू कॉस थेटा ठीक चले आगे अच्छा देखो प्रॉपर रिप्लाई कर रहा है Life जो है क्या नाम है यदुवंशी फॉर्मूला <laughs> प्लस, क्या हो जाएगा? प्लस वन हो जाएगा ना सीधा वन लिख दी इसको तो वन प्लस टू कॉस थिएटा इन टू साइन थिएटा माइनस वन देखो क्या होगा उसके बाद वन प्लस टू साइन थेटा इंटू कॉस थीटा और क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्लियर है तो ये वन और वन कैंसल हो गया तो क्या बच गया टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो ये कैंसल इससे ये कैंसल इससे तो फाइनली क्या आएगा हमारा आंसर है ठीक तो ये टू हमारा आंसर है आप लोगों ने सही सॉल्व किया है चलो अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या होगा क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन डी ऑप्शन डीज का आंसर है आप लोगों का चलो चेक करें क्या है हमारे पास क्वेश्चन सेक ए प्लस टेन ए और वन माइनस साइन ए फिर से क्या करेंगे सेम चीज करेंगे बिफोर आई एम सॉल्व बिफोर आई सॉल्व ऑल क्वेश्चन ऑलरेडी अच्छा चलो अच्छी बात आपने पहले ही सॉल्व कर लिया है देखो सेक को क्या लिख सकते हैं अपन वन अपऑन कॉस ए प्लस साइन अपऑन कॉस ए फिर क्या हो जाएगा इधर अगले ब्रेकर को कुछ मत करो वन माइनस साइन ए एलसीएम लेते हैं क्या हो जाएगा इसका कॉस ए और ये हो जाएगा क्या वन प्लस साइन ए ठीक मैं काम करता हूं इसको नीचे पूरा एक्सटेंड कर देता हूं और ऊपर यहां पर क्या आ जाएगा वन माइनस साइन ए कोई दिक्कत यहां तक में देखो ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला लग गया तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो वन स्क्वायर वन स्क्वायर को लिखने की जरूरत है क्या नहीं है तो वन माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा ये कॉस ए इसको क्या लिख लेंगे वन माइनस साइन कॉस स्क्र ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए यहां पर स्क्वायर है वहां पर सिंगल है एक कैंसल हो गया तो क्या हो जाएगा कॉस ए ये हमारा आंसर है ठीक कोई दिक्कत तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर था ठीक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है चलो इसका आंसर बताओ आंसर क्या आप लोगों से टेन स्क्वायर ए आया है अच्छा ऑप्शन डी चलो सॉल्व करके देखते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए कैसे सॉल्व करेंगे बताओ बड़ा आसान है आइडेंटिटी लगा देना सीधा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a मतलब sec स्क्वायर a हो जाएगा और 1 प्लस cot स्क्वायर a इसको साइन कॉस में चेंज करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा सीधा आइडेंटिटी है क्या हो जाएगा ये cosec स्क्वायर a अब चेंज कर देते हैं अभी क्या हो जाएगा 1 अपऑन कॉस स्क्वायर a और ये क्या हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर ए अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो क्या हो जाएगा देखो वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए और इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन वन तो अल्टीमेटली क्या बचा हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए और क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस को टेन तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए कोई दिक्कत इसमें नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये बन गया है देखो करें स्टार्ट क्या बोल प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस इज इक्वल टू टू से तो ऊपर राइट साइड तो बहुत सिंप्लीफाइड है है ना हम लेफ्ट को ही क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं तो LHS लेते हैं क्या हो जाएगा एल में सीधा सॉल्व करने स्टार्ट करता हूं LHS को एकदम सिंपल तरीका मुझे दिख रहा है एलसीएम लेने का पी बाई क्यू पी बाई क्यू दोनों को ऐड करना है एलसीएम ले लेते हैं ले ले सीधा तो क्या हो जाएगा ये देखो वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन ए ये एक डिफरेंट है न्यूमरेटर में ये भी क्या डिफरेंट है तो दोनों को क्या कर दो सीधा मल्टीप्लाई कर दो वही क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा और इसको क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस ए कॉस स्क्वायर ए कोई दिक्कत है प्लस वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन ए सीधा क्या हो जाएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर वन प्लस साइन ए कही हो जाएगा क्या होल स्क्वायर अब देखो हमको पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सिंप्लीफाइड यहाँ पर राइट साइड है कैसे करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए हम काम करते हैं यहां से ना पहले इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं क्या हो जाएगा कॉस प्लस क्या हो जाएगा देखो तो ये वन स्क्वायर का वन हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ फॉर्मूला वन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू इंटू वन इंटू साइन तो टू साइन A. कोई दिक्कत यहाँ तक में देखते रहना कहीं कोई चीज गलती से भी छूटे है ना है ना इधर क्या रह जाएगा नीचे 1 sin a और क्या हो जाएगा ये cos a यहां देखो cos² a sin² a इन दोनों की प्लेस पे क्या मैं 1 लिख सकता हूं फार्मूला बना दिया सीधा हो जाएगा तो हो जाएगा 1 और इस 1 की प्लेस पे क्या हो जाएगा 1 2 sin ए अपॉन में क्या हो जाएगा अपॉन में क्या हो जाएगा देखो वन प्लस साइन ए और इंटू में क्या है यहां पर कॉस ए नेक्स्ट देखो ये कितना हो जाएगा टू ये हो जाएगा टू प्लस टू साइन ए और नीचे क्या हो जाएगा वन प्लस इंटू कॉस ए कोई दिक्कत अभी हमको कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा है। बस स्टेट में आगे बढ़ते जा रहे हैं देखो ऊपर से दोनों में क्या दिख रहा है टू कॉमन टू कॉमन कर लें। तो टू कॉमन कर ली तो अंदर क्या रह जाएगा वन प्लस साइन ए दिखा तो वन प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा ये कॉस ए अब आप देखो ऊपर पूरा मल्टीपल फॉर्म में आ गया नीचे पूरा मल्टीपल फॉर्म में है मतलब आपस में क्या हो जाएंगे डिवाइड तो ये दोनों क्या हो गए डिवाइड तो क्या आ गया हमारे पास 2 cos 2 अपॉन cos a 2 अपॉन cos a cos a को ऊपर ले जाऊंगा क्या हो जाएगा sec a तो 2 तो 2 ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा sec a यही क्या है हमारा rhs ये क्या है rhs ठीक तो क्या बोल सकते हैं एल एच एस इक्वल क्या मिल गया हमको आरएचएस मिल गया और ये हमने प्रूव कर दिया ठीक हो जाएगा क्या कोई दिक्कत कहीं पे ट्राई किए थे इसको देखो जो लोग ट्राई नहीं कर पाए हो ना उन लोग थोड़ा सा अपने आप को रोज मोटिवेट करो ट्राई अगर नहीं कर पाए हो गए कुछ भी क्वेश्चन छूट गया होगा तो थोड़ा सा मोटिवेट करो कि इन चीजों को सोचो कितना अच्छा होता अगर हम पहले से कर ले रहे थे क्योंकि छपाई करना हमारे लाइफ का इंटेंशन थोड़ी है इसलिए रोज मोटिवेट करो अपने आप को और ट्राई करो जो लोग अगर एक बार ट्राई कर रहे हो और कहीं लग रहा है कि नहीं बन पाया हमसे तो लोग इस बात को सोच के मोटिवेट हो कि हम लोग इसको और एक बार ट्राई कर लेते थोड़ा सा पास पहुंच जाते ये क्वेश्चन नंबर फोर बताओ ये बना वन प्लस सेक ए अपॉन सेक एज इक्वल टू क्या है साइन इज ए अपॉन वन माइनस कॉस ए चलो इसको एल एच एस एल एच एस को ले लें वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए कैसे करेंगे बताओ तो सीधा सा दिख रहा है सेक्स हम कहा जाना है कॉस में जाना है कॉस और साइन में तो चेंज करते हैं इसको वन प्लस क्या हो जाएगा अपॉन और नीचे क्या हो जाएगा ये वन अपॉन कॉस इज इक्वल टू देखो ऊपर क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस वन अपॉन हो जाएगा क्या कॉस ए फिर वन अपॉन कॉस ए कैंसिल हो गया ठीक क्या बचा इसको ऐसे लिख दो क्या वन प्लस कॉस ए ठीक अब आपको लगेगा सर ये तो खत्म इसके बाद क्या है? क्या, क्या सॉल्व करेंगे हाँ आर एच एस से भी आ जाएगा लेकिन हम एल एच एस से भी लाने का ट्राई करते हैं यहाँ तक रुक गए यहीं पे अब दिमाग काम नहीं किया होगा ट्राई किए थे क्या एल एच एस से इसके बाद दिमाग काम नहीं किया ना आर एच एस सॉल्व कर दिए चलो हम इतना में जूझते हैं ठीक है अभी इसके बाद क्या करेंगे हमको नीचे दिख रहा है क्या चाहिए वन माइनस कॉ से तो वन माइनस कॉ से को मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कॉ को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे ठीक है देखो ये वन प्लस कॉस है हमारे पास है ना यही है ना हमारे पास ठीक क्या करेंगे इसमें हम इसमें हम क्या कर देंगे वन माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई कर देंगे और वन माइनस कॉस ए का डिवाइड कर देंगे तो नीचे तो हमारा व्यवस्था बन गया बन गया ना अब ऊपर को सॉल्व कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये वन वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर

तो क्या ले सकते हैं lhs rhs और ये क्या हो गया प्रूव समझ आया हम चाहते तो rhs से भी lhs ला सकते हैं या इतना दूर तक मैं छोड़ देंगे और इसको इक्वेशन वन मान लेंगे और rhs को सॉल्व कर देंगे तो rhs से भी इतना दूर तक के पहुंच जाएंगे और दोनों में आधा-आधा पहुंच करके क्या बोल देंगे lhs rhs तो तीनों तरीके हमारे पास है समझ आया कि नहीं और तरीके बताऊं थोड़ी इसका समझ जाओगे इसको आप यहां से वापस आने का भी ट्राई करना है पर पूरा है। यहां से यहां तक पहुंचने का ठीक